झारखंड की राजनीति में उठा पटक जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन उनकी कुर्सी पर मंडरा रहा संकट अभी भी बरकरार है। इसी बीच उनके भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि राज्य में जारी सियासी हलचल के बीच वे अचानक दिल्ली क्यों चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे। उनका यह बयान वायरल हो रहा है। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए बसंत सोरेन सिर खुजलाते हुए और हंसते हुए कहते हैं, एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स ख़त्म हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने मैं दिल्ली चला गया था। मैं अंडरगारमेंट्स दिल्ली से लाता हूँ। बता दें कि बसंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र दुमका में अलग अलग घटनाओं में दो नाबालिग लड़कियों की हत्या को लेकर बवाल जारी है। बुधवार को बसंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दुमका शहर में पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई नाबालिग छात्रा और रानेश्वर इलाके की 14 वर्षीय किशोरी के साथ रेप एवं हत्या मामले में बुधवार को दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन एवं सिक्कारी पाड़ा के झामुमो विधायक नलिन सोरेन पीड़िताओं के आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मिले। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि DIG और DCSP के साथ बैठक कर यहां की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विमर्श करेंगे, ताकि ऐसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो। एक पुलिस पदाधिकारी पर आरोपितों को बचाने के लग रहे आरोप पर विधायक ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने DIG से रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट के आधार पर सरकार उचित निर्णय लेगी। मैं बाहर था DCSP से फोन पर की बात। जी हाँ, आपको बता दें, तुम कब पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई नाबालिग छात्रा के परिजनों के साथ मुलाकात के दौरान शोक संवेदना प्रकट करते हुए विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है, इस दुख में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि जिस दिन घटना हुई मैं बाहर था, वहाँ से ही मैंने दुमका के DC और SP को फ़ोन कर हर संभव सहायता करने को कहा था। उसी दिन कुछ घंटे बाद मुझे सूचना दी गई कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर दुमका विधायक बसंत सोरेन, सिकारी पाड़ा विधायक नलिन सोरेन एवं जिला परिषद के अध्यक्ष जॉयस पेसरा रानेश्वर इलाके में पीड़िता के गांव पहुंचकर मृत किशोरी के परिजनों से मिले। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के साथ सभी मुश्किलों में परिवार के साथ खड़ा रहने के आश्वासन परिवार के सदस्यों को दिया गया। विधायक बसंत सोरेन के हाथों पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से सहायता राशि 9 लाख रुपए चेक दिया गया। झामुमो विधायक के साथ पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह, दिनेश मुर्मू, अब्दुल सलाम अंसारी, दिलीप साहा, नुशरत शेख, शिवा बास्की और भैरव दत्त सहित कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।